वेरी गुड इवनिंग गाइज, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। गाइज, दो तीन दिन का ब्रेक हुआ, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम था। अब रेगुलर सी टेट के एग्जाम तक 7-6 जुलाई तक आपको प्रैक्टिस देता रहूँगा, इंक्लूडिंग टॉप 100। हाँ, तो अब गाइज अब एक बार देखिए थोड़ा सा कि आज हम लेने जा रहे हैं क्या बुद्धि। हाँ, आज हम लेने जा रहे हैं बुद्धि। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, और इस पर मैं एक नहीं 2 वीडियो जारी करूँगा। आज मैं 12 क्वेश्चन जारी कर रहा हूँ, और पूरा फोकस जैसा हर लेक्चर में होता है आपको समझाने का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धि पे आज का पहला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, यह उदाहरण है। ऑप्शन ए पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन डी बिने का एक कारक सिद्धांत। तो गाइज, अगर आपने पढ़ा है मिस्टर एक कारक का सिद्धांत समझ रहे हैं, जब एक ही होगा तो बहुबुद्धि का ऑप्शन ही नहीं आता, बहु प्रकार के कार्यों का, इसलिए यह गलत उत्तर है, आई मीन यह नहीं होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पे आएगा ही नहीं, हमें लेना है बुद्धि का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत कारकों को स्वतंत्र मानता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। सही उत्तर है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। पर सुनेंगे, वैसे नीचे सब आ रहा है, आपको साफ साफ समझ में आएगा। गाइज, एक बार ध्यान सुनिए, महान हार्वर्ड गार्डनर ने कहा बुद्धि के आधुनिक डिवीजन पहले 7 आया, फिर 8, 9, अभी 10 आ गया है क्या। हमारी बुद्धि 10 प्रकार की क्षमताओं से मिलकर बनी है, क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए ही अनुकूल पाया जाता है, इसलिए एक तो कोई ऊपर चली जाती है, बाकी की 9 क्या होती हैं, दब जाती हैं। अगर आपको देखना हो तो मैंने हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर एक वीडियो रिलीज किया था अराउंड 1 महीने पहले, आप ढूंढ लेना आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, मतलब हार्वर्ड गार्डनर ने, कि लेकिन अगर हम सही माहौल दे दें तो बाकी 9 प्रकार की बुद्धि जो अल्प विकसित रह जाती है उसे भी विकसित किया जा सकता है। अर्थात बहुत प्रकार से, विभिन्न प्रकार से एक विषय को पढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर कौन होगा, मिस्टर हार्वर्ड गार्डनर। देखिए, यहाँ आपको 4 सीखने को मिलेगा। अगला, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार खनिजों पेड़ पौधों को पहचानने की बुद्धि कौन सी बुद्धि है। तो गाइज, यहाँ पे अब आप नोट्स बनाना शुरू करिएगा, आपको सीधा हार्वर्ड गार्डनर ही पूरा मिलने जा रहा है। पहली है संगीती बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या गतिक बुद्धि, आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो अगर गाइज, अगर आप ध्यान से देखो, जिस आदमी को संगीत से बहुत लगाव हो उसमें कैसी बुद्धि होगी, संगीती बुद्धि। देखिए उदाहरण सुनिए, संगीतकार, गीतकार, गायक, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, संगीती बुद्धि। स्थानिक बुद्धि ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी जिसके लिए स्थान और क्रम मायने रखता हो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि। कैसे, अब सुनिए कौन से लोग, चित्रकार, मूर्तिकार, मिस्त्री, जो घर जोड़ता है। अब खुद समझो यार, अगर आप एक घर का नक्शा बनवाते हो, एक मिस्त्री क्या करता है, गेट आपने बताया था साहब हमको गेट तो उत्तर में चाहिए, उसने दे दिया आपको दक्षिण में, तो आपने पूरे आपके मकान के नक्शे की उसने वाट लगा दी। तो वह आदमी जिसके लिए स्थान और क्रम मायने रखता है उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, स्थानिक। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपने देखिए, आपको आश्चर्य होगा जान के, आज आपको एक बहुत, ताकि आप इस घटना को याद रख सको, आपको एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूँ जो आपको चौंका देगा। आपने कभी कार्टूनिस्ट को देखा है, कैरिकेचर, जो नाक बड़ी बनाता है, सर छोटा बनाता है, आपको उस चित्र को देखकर हमेशा आता है। पर याद करके मेरे दोस्त बताइए, क्या आज तक कभी उसने आपको सर की जगह पैर लगाए हुए देखा किसी चित्र में, उत्तर है नहीं। मजाक करने के बावजूद भी क्रम का फॉलो हो रहा है। फिर से सुनिएगा, जिस आदमी के लिए स्थान और क्रम मायने रखता हो, चित्रकार, अबे चित्रकार कितना भी भाई, किसी का भी चित्रकार हमारा स्वतंत्र है, मूर्तिकार स्वतंत्र है, किसी का भी चेहरा बनाए, पर अब ऐसा थोड़ी है यार कि सर की जगह पे पैर बना देगा, या कोई चित्र थोड़ी होगा। तो यह कौन सी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। और ऑप्शन सी डी है गतिक बुद्धि। गतिक बुद्धि भी सुन लीजिए, आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक आदमी जो चलायमान गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में माहिर हो उसमें कौन सी बुद्धि होगी। गति का आप समझ रहे हो, गति, चलायमान, काइनेटिक इंटेलिजेंस, मतलब जो चलायमान परिस्थितियों में निर्णय लेने में माहिर हो, गतिक बुद्धि। एरोप्लेन का पायलट, ट्रेन का लोको पायलट, बस का ड्राइवर, ऐसे लोगों में कौन सी बुद्धि होगी, गतिक। तो अब आप समझ ही गए होंगे, अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है और वह है प्राकृतिक बुद्धि। तो ध्यान से सुनिए, जिस आदमी को पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों, जीव जंतुओं, प्रकृति को पढ़ने का शौक हो, जानने का, उस आदमी में कौन सी बुद्धि होगी, प्राकृतिक बुद्धि। अब चलेंगे गाइस, इसमें एक एक क्वेश्चन मील का पत्थर, इसलिए कल एक और वीडियो जारी होगा बुद्धि पे। पहला, बुद्धि लब्धांक एवं शैक्षणिक उपलब्धि में संबंध है।
ऑप्शन ए मध्यम, ऑप्शन बी कम से कम, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी पूर्ण। देखिए अगर आप अगर दिमाग लगाओगे तो भी आपको उत्तर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि आपकी आईक्यू और आपके अंक लाने की क्षमता में कैसे संबंध होता है। तो दोस्त अब समझ रहे हो मध्यम हमारा उत्तर नहीं हो सकता, कम से कम भी उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं उच्च और पूर्ण। देखिए पूर्ण इसलिए नहीं मार सकते दोस्त कि कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए सही उत्तर है आपका उच्च, मतलब अत्यंत उच्च नहीं कहा गया है, उच्च अर्थात ज़्यादातर यही देखा गया है जिन लोगों की आईक्यू ज़्यादा होती है, ज़्यादातर देखिए मोस्टली चरमपंथी उत्तर सीटेट में नहीं चलेगा, अत्यंत उच्च अत्यंत निम्न ऐसा नहीं है। अर्थात ज़्यादातर यही देखा गया है कि जिनकी आईक्यू ज़्यादा होती है उन लोगों का मार्कशीट में मार्क भी बेहतर आता है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। गाइस ध्यान रखिएगा कल एक प्रैक्टिस और दी जाएगी, मैं चाहता हूँ बुद्ध पे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। एक 16 वर्षीय बच्चा, सुनेंगे, एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि में कितने अंक लाता है, 75 अंक लाता है, तो उसकी मानसिक आयु कैसे होगी। चलिए आपको दिखाता हूँ 16 वर्षीय बच्चा, अर्थात अगर उसका एक्स है क्या मानसिक आयु, तो 16 उसकी क्या है वास्तविक आयु है, तो गुणते 100 और बराबर है कितने के, 75 के। तो आप समझ ही चुके हो यह 100x बराबर है कितने के, ये आ गया आपका 1200 के। तो इसलिए आप समझ गए होंगे x का वैल्यू कितना होता 12। देखो मुझे गणित भी आने लगी है मेरी गणित सुन लिया गई, थोड़ा मजाक कर रहा था, मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती इसलिए थोड़ा सा जोक कर रहा था। मुझे अपने लाइफ में समझ ही नहीं पाया कि x का वैल्यू 500 कैसे होता है, तो इसलिए फिलहाल अभी मैंने सही उत्तर लगा दिया, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा ए। देखिए कैसे लगाया मैंने, क्योंकि हमारे पास मानसिक आयु नहीं है उसकी जगह मैंने x रख दिया वास्तविक आयु। सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणते 100। तो हमारे पास x नहीं है तो आप समझ ही गए होंगे इधर का इंटू इधर हो जाएगा 100x, अर्थात हमारा उत्तर क्या है 12 वर्ष। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था क्या होगी, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शारीरिक गतिक बुद्धि में आप समझ रहे हो यहाँ तीन ऑप्शन, आप ध्यान से रुकना हार्वर्ड गार्डनर प्लीज नोट्स बनाइएगा। हार्वर्ड गार्डनर की एक बुद्धि है जिसे भाषाई बुद्धि कहते हैं, प्लीज सुनना आपको बड़ा मजा आएगा। एक आदमी जो भाषा के प्रयोग में इतना माहिर है कि आपकी आंखों से आंसू निकाल ले, आपको रुला दे और बाद में आप सोचो अरे यार मैं तो फालतू ही रो रहा था, ऐसे आदमी में आपको इमोशनली ब्रेन वॉश कर दे आपका दिमाग, ऐसे आदमी में जानते हो कौन सी बुद्धि होगी, भाषाई मतलब भाषा में लपेट ले। सुनना कौन होगा इसमें, राजनेता, कोई काम नहीं करता, 5 साल झूठे वादे करता है, केवल शब्द बेचता है, मतलब जो शब्दों को बेचने में माहिर हो। कवि सोचिए, एक कविता में आपको रुला देता है आपको हंसा देता है, जबकि कविता क्या है मात्र एक कल्पना ही तो है। अगला वाचक, हमारे प्रवचन देने वाले गुरुजी लोग, धार्मिक नेता क्या करते हैं साहब, आप धन मत बटोरिए आप पाप कर रहे हो, जबकि करोड़ों का बिजनेस खुद चला रहे हैं, अर्थात वह क्या बेच रहे हैं, शब्द बेच रहे हैं। इसलिए सही उत्तर क्या है, शल्य चिकित्सक, अर्थात शारीरिक गति। देखिए शल्य चिकित्सक के अंदर भाषा नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, शब्दों से काम नहीं चलेगा, उसको पता होना चाहिए कि घाव कहाँ है। अब घाव यहाँ हुआ है तो यहाँ थोड़ी चीरा लगाएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे बच्चों, शल्य चिकित्सक। प्लीज ध्यान रखिएगा गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि अर्थात गतिशील। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रॉबर्ट स्टर्नगर के त्रितंत सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, प्लीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोचिएगा। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने यहाँ देखेंगे ऑप्शन है संदर्भगत बुद्धि, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी आनुभविक बुद्धि और ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। यहाँ देखिए टारगेट क्वेश्चन का और कुछ नहीं है, ध्यान रखिए गाइज मैं आपको क्वेश्चन हल नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के बहाने आपको पूरा चैप्टर क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉबर्ट स्टर्नगर ने बुद्धि का त्रितंत सिद्धांत दिया जिसे हम ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। उन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि की बात की, पहली विश्लेषणात्मक बुद्धि, जब पूर्व अनुभव कुछ भी ना हो केवल वर्तमान में उपलब्ध डेटा के सहारे समस्या हल किया जाए तो ऐसी बुद्धि क्या है विश्लेषणात्मक बुद्धि। एक उदाहरण सुनिएगा, एक बच्चा बेचारा स्कूल से गाना गाते हुए यूँ मस्ती करते हुए लौट रहा है, अचानक रास्ते में क्या देखता है, जिस रास्ते जा रहा है वहाँ एक कुत्ता खड़ा है, ऐसा पहले नहीं हुआ है। अब आप समझ चुके हो आज वो जिस बुद्धि का प्रयोग करेगा वह कौन सी बुद्धि होगी, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ध्यान से सुनिए,
अब वो क्या करता है, एक बिस्किट निकाल के रास्ते पे फेंकता है, कुत्ता रास्ते से बाहर भागता है और बच्चा दौड़ करके घर चला जाता है। कौन सी बुद्धि है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। पर यहाँ देखना, अब दोबारा अगर वही कुत्ता मिलेगा, इस बार वो बिस्किट निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। यह जानते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर किसी समस्या को हल करना कौन सी बुद्धि होती है? आनुभविक बुद्धि और संदर्भगत, उनकी सबसे बेहतर बुद्धि। मेरे दोस्त, उन्होंने क्या कहा, एक आदमी में सबसे बेहतर बुद्धि, इसके कई नाम हैं, सांदर्भिक बुद्धि, और इसी को वास्तविक बुद्धि भी कहा गया है दोस्त। अर्थात एक आदमी जो समस्या समाधान में खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल ले, उसमें कैसी बुद्धि होती है? संदर्भगत, या कैसी बुद्धि, संदर्भ समझते हैं ना, जैसा कहते नहीं क्या संदर्भ है, जैसा संदर्भ वैसा अपने आप को ढाल लेना। अर्थात कहते हैं दुनिया की सबसे अच्छी बुद्धि है समायोजन। अगर आदमी में समायोजन नहीं है तो उसको जीवन में बहुत सारी परेशानियां होने जा रही। तो जो समायोजन करने में माहिर हो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? संदर्भगत बुद्धि। जैसे एक विद्यार्थी क्या देखता है कि टीचर बहुत गाली देता है पर पढ़ाता बहुत अच्छा है। अब वो क्या करता है मेरे दोस्त, गाली को इग्नोर करके पढ़ता रहता है। हटाओ यार अपने को पढ़ने से मतलब, अपने को गाली से क्या मतलब है? ऐसे आदमी में कौन सी बुद्धि है? संदर्भगत। तो आप समझ ही चुके होंगे उनकी कौन सी बुद्धि नहीं है, सामाजिक बुद्धि। आई होप आपने नोट्स बना ली होगी। मैं इस आशा के साथ लेक्चर दे रहा हूँ कि आपको बहुत काम आने वाला है। बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन ए, कई प्रकार होने के कारण मापन संभव नहीं है। ऑप्शन बी, यह रुझान पर जोर देती है। ऑप्शन सी, यह समझने में मुश्किल है। ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगर आप समझ गए होंगे तभी आप यहाँ देख के आ रहे हो। चार प्रकार पाँच प्रकार तो आपने यहाँ देखा, अभी आप आगे भी देखने वाले हो। आप खुद समझो मेरे दोस्त, क्या जब 10-10 प्रकार की भैया बुद्धि दोगे तो कौन आदमी उसका मापन कर पाएगा? मतलब 10 प्रकार की बुद्धि मापन करने में आपको पता है कितना पैसा आएगा? आपके पास एक ऐसा मापन होना चाहिए जो 10 प्रकार की बुद्धियां माप सकता हो। इसलिए इसका सही उत्तर, मुझे नहीं लग रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कई प्रकार होने के कारण मापन संभव नहीं, मतलब बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा यार, और अपने नहीं पता कर पाएंगे कौन सी एक्यूरेसी कितना दे रहा है। निम्नलिखित में से संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा है, प्लीज लिखिए। आपको बता दूं इस सदी का, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि मैं आपको इस सदी का महानतम बुद्धि का सिद्धांत बताने जा रहा हूं। एंड प्लीज मेक नोट्स गाइस, संवेगात्मक बुद्धि इस सदी का बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, जिसे एक शख्स ने दिया जिनका नाम है डेनियल गोलमैन। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उस शख्स का नाम है मिस्टर डेनियल गोलमैन, और आपको अब जो बताने जा रहा हूं वो आपको चौंका देगा मेरे दोस्त। डेनियल गोलमैन ने कहा कि एक बच्चा उसी प्रश्न को परीक्षा में गलत हल करता है जिस प्रश्न को उसने घर पे सही हल किया है। अर्थात बच्चा कितना है? एक। सवाल कितना है? एक। पर परिस्थितियां कितनी है? दो। तो हावर्ड गार्डनर, सॉरी डेनियल गोलमैन ने सबसे धासु सिद्धांत देते हुए कई लाखों प्रश्नों का जवाब दे दिया। क्या? हमारी बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है। सुनते जाइए, चौंकाने वाला। उसने कहा एक आदमी का दिमाग, उसकी बुद्धि एक समय में कितना काम करेगी, यह तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, समस्या समाधान के दौरान उसका मिजाज, मतलब उसका मूड कैसा है। दूसरा, उसके अंदर संवेगों की स्थिति कैसी है। तीसरा, उसके अंदर तनाव कितना व्याप्त है, तनाव का स्तर। अब आप समझो, खुद ही उस उदाहरण को समझो। क्या जब आप घर पे सवाल हल कर रहे हो, बढ़िया रोमांटिक गाने बज रहे हैं, आप मस्त हो, घर पे कोई प्रेशर नहीं है, तो आपके पास तनाव शून्य है भैया। जब तनाव होगा नहीं तो मिजाज बहुत अच्छा रहेगा, और जब मिजाज अच्छा रहेगा तो हमारे अंदर क्रोध भय सब कुछ नहीं आएगा, संवेग नॉर्मल रहेगा, इसलिए आप सवाल को सही हल करते हो। अब यही चीज़ आप परीक्षा में इमेजिन करो मेरे दोस्त, क्या होता है, जैसे जैसे एक एक मिनट ढाई घंटे में सीटेट में घटेगा, आप खुद सोचो आपके तनाव का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। जब तनाव का स्तर बढ़ेगा तो मिजाज ऑफकोर्स मूड खराब होगा, और जब मूड खराब होगा तो भड़ास क्रोध जैसे संवेगों का क्या होगा, जन्म होगा, और आप उस प्रश्न को क्या कर दोगे, गलत हल कर दोगे। प्लीज एक बार सुनना, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, मुझे बहुत खुशी होती है जब इस सिद्धांत में पढ़ाता हूँ। हमारी बुद्धि, अब अल्बर्ट आइंस्टीन के कनपट्टी पे गन लगाओगे और बोलोगे आविष्कार करो, तो क्या तुम्हें लगता है दुनिया का सबसे दिमाग वाला आदमी आविष्कार कर देगा? जब मौत सामने खड़ी हो तो दिमाग काम नहीं करता, दैट इज व्हाट से, जब मुझे यकीन है आपको ये पसंद आएगा, बहुत पसंद। यह कौन कहता है? डेनियल गोलमैन। फिर से सुनिएगा, हमारी बुद्धि परिस्थितिगत होती है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा है। तो समझ रहे, मदद देना नहीं, याद रखना नहीं, विचार करना नहीं, बल्कि क्या,
कि अगर बच्चे को, डेनियल गोलमैन ने कहा कि बच्चा गलती कर रहा है, टीचर बताया ओए गधे हो तुम दिमाग से मोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो और ज़्यादा गलती करेगा, क्योंकि टीचर का डांटना उसे तनाव से भर देता है। पर अगर यही टीचर सामने, कोई नहीं बेटा लोग गलतियाँ करते हैं, सीख जाओगे, सहानुभूति दिखाए, आप यकीन करिए नेक्स्ट टाइम उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मैं भी करता हूँ, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सहानुभूति दिखाना। नौवां, संवेगात्मक बुद्धि एवं बहुबुद्धि में कौन सा तत्व समान है? गाइस ध्यान से रखिएगा, अभी आपने क्या सुना, बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है। तो आपको यहाँ बता दूँ, अब उनकी बुद्धियों में सारे सुन लीजिए, फिर से आ रहा है, आप फिर से नोट्स बनाइएगा। स्थानिक बुद्धि बता चुका हूँ, जिसके लिए स्थान। गतिक बुद्धि बता ही चुका हूँ, जो गतिशील वस्तुओं में निर्णय लेने में माहिर हो। तीसरा, संगीती बुद्धि भी बता चुका हूँ। चौथा, जो कि हमारा उत्तर भी है, इसका उत्तर है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो हार्वर्ड गार्डनर की अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, वही डेनियल गोलमैन की क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। दोनों मैच करती हैं। पूछा गया एक साल कंपैरिजन है यूसीटेट का, शायद बुद्धि पे पूछा गया अब तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन था क्या, अर्थात अंतःवैयक्तिक बुद्धि वह कहती है, एक आदमी जो खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने में माहिर हो। और यही बात कौन कह रहा है, हमारे हार्वर्ड गार्डनर साहब कर रहे हैं। और यही चीज़ है, अगर आप समझ पा रहे हो, डेनियल गोलमैन कर रहे हैं, और यही चीज़ है अभी अभी आपको बताया। मतलब आपको यहाँ थोड़ा सा एक मिनट हट के बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ इसको नोट्स बनाइए, कि सबसे हार्ड क्वेश्चन है आज तक का। हमारे स्टर्नबर्ग की सांदर्भिक बुद्धि और हमारे डेनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर की अंतःवैयक्तिक बुद्धि सेम है, और तीनों का अर्थ है एक आदमी जो खुद को बदलती परिस्थितियों के साथ क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। इसलिए इसका उत्तर क्या है, और हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है शिक्षक में। भाई शिक्षक क्या है, आप पीएचडी हो, आप टैलेंटेड हो, पर क्या आप बच्चे को पीएचडी थोड़ी पढ़ाओगे, आपको खुद को किसके अनुसार ढालना है, बच्चे के अनुसार ढालना है। इसलिए आप में कैसी बुद्धि पाई जाएगी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, मतलब यह और डेनियल गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि एक जैसी है। और अब दसवां, बुद्धि का पहला परीक्षण किसने बनाया? तो आपको बता दूं, डेविड वेस्टलैंड ने अराउंड 1939 से 42 के आसपास एक बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसे हम पहला वयस्क बुद्धि परीक्षण पढ़ते हैं। तो एक बार डेट से आप खुद ही समझ जाओगे, 1916 में स्टैनफोर्ड बिने स्केल बनाया किसने, टर्मन ने, डेट आप लिख लीजिएगा। और 1905 में दुनिया का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, बिने और साइमन ने, पर यहाँ बिने का नाम दिख रहा है इसलिए हम उत्तर क्या लगाएंगे, बिने। और अब आएगा बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एरोप्लेन के पायलट में कौन सी बुद्धि होगी? गाइस मुझे पूरा यकीन है, अभी मैंने आपको बताया था, जो वह आदमी जो चलती फिरती दौड़ी स्थितियों में निर्णय लेने में माहिर हो, उसमें कौन सी बुद्धि होगी, और वह है उत्तर हमारा क्या, आप समझ ही चुके हो, एरोप्लेन के पायलट में होगी कौन सी बुद्धि, गतिक बुद्धि, बता ही चुका हूँ। गायक में संगीती बुद्धि पाई जाएगी, वकील में, जो यहाँ पे एक और नाम आया है आप इसको लिख लीजिएगा, तार्किक बुद्धि, वह आदमी जो अपने तर्कों से आपको चित्त कर दे, ऐसे आदमी में कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि। जैसे हमारे वकील साहब, उनको बस तर्क के सारे झूठ को सच, सच को झूठ बनाना होता है, पर हमारा उत्तर क्या है, गतिक बुद्धि। जरूरी नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले क्या होंगे, तो जाइए आपको पहले भी बता चुका हूँ मैंने, और कई लेक्चर में बताया है, हो सकता है आदमी गोल्ड मेडल जीतता हो, तो अध्ययनशील तो पक्का होगा, मेहनती भी पक्का होगा, विश्लेषण में माहिर होगा, अर्थात प्रतिभाशाली छात्र होगा, पर जरूरी नहीं है कि क्या हो। क्रिएटिविटी एकदम अलग चीज़ है, हो सकता है बंदा मंद बुद्धि हो फिर भी क्या हो, क्रिएटिव हो, मतलब सृजनात्मकता और बुद्धि लब्ध में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो गाइज आशा करता हूँ दिस शुड हैव बीन अ वेरी गुड लेक्चर, एंड आई आरपी मिश्रा, एंड गाइज आप प्लीज़ आप लोगों को, जिन लोगों को ऑनलाइन एडमिशन लेना है, आप यहाँ नंबर देख सकते हैं 8299310097, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भेज सकते हैं, सारे कोर्स रेडी हैं, यू कैन गो फॉर द कोर्सेज, यू कैन परचेज इट। और यकीन करिए गाइज आपको प्रैक्टिस लगातार 7 जुलाई तक देता रहूँगा, एक शादी की वजह से 2 दिन डिस्टर्ब हुआ थोड़ा, तो टिल देन आईआरपी मिश्रा से गुड बाय टू यू गाइज, कीप ऑन वॉचिंग एंड गिव मी योर फीडबैक, आपके फीडबैक बहुत ही सराहनीय रहे पिछले हफ्ते, सो प्लीज डू मस्ट शेयर इट, ठीक है, थैंक यू।